सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 15 तारीख है, सोमवार है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए ईश्वर का वचन रखा गया है। शास्त्री, फरीजी, यीशु और लोग, ये चार अलग अलग प्रकार के लोगों को लेकर हम सबों को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में निमंत्रण देता है। मुख्य रूप से आज के दिन में हमें यहाँ पर दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए विषय संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22। यहाँ पर लिखा है, यूहन के शिष्य और फरीजी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन के शिष्य और फरीजी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? अब सबसे पहली बात मनन चिंतन करने के लिए है, ये यीशु के जमाने की बात है, 2000 पूर्व की बात है। लोग उंगली उठाते हैं, दोष पाते हैं या दोष लगाते हैं, ये कौन है? ये लोग हैं। क्या लोगों को सचमुच में प्रभु यीशु के शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन की चिंता थी? क्या वह इस बात को लेकर कंसर्न्ड थे कि प्रभु यीशु के शिष्यों का आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उपवास नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये लोग उंगली उठाते हैं यीशु के शिष्यों पर, क्योंकि इनका एक प्रकार का पेशा है, इनका एक प्रकार का दैनिक कार्य है, किसी पर उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना, किसी के बारे में बातचीत करना, किसी का नाम खराब करना। और ऐसे लोग आज के परिवेश में भी हम पाते हैं, जिनको किसी से कोई लेना और देना नहीं है, कोई काम दाम नहीं है, बस उनका एकमात्र काम है कौन गलत कर रहा है, किसके जीवन में कुछ गड़बड़ी हुई है या हो रही है, कौन से परिवार में क्या बात है, इन सभी बात को लेकर ताकाताकी करना, बातें बनाना, बातें फैलाना, खबरें फैलाना, नाम खराब करना, ये लोगों का है। लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी कुछ भी करें, लोग निरंतर निरंतर उंगली उठाते रहेंगे। प्रभु यीशु को लोगों ने नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु को लोगों ने कहा ये तो पापियों का मित्र है, ये खाता पिता है, पियक्कड़ और पेटू है, यौहन बपतिस्ता है जो खाता पिता नहीं है। मतलब लोगों को बात करने के लिए हर जगह पर विषय है, वो अपना विषय बना लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है, हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है लोग क्या बोलते हैं, हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत है प्रभु क्या बोलता है मेरे बारे में, मेरे कामकाजों के बारे में, मेरे जीवन के बारे में प्रभु क्या बोलता है, इस पर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। Therefore, the invitation for us to live by the word, not by the world. What the world says. World may say something very good today. Tomorrow the same people may say something very bad. Therefore, the invitation for all of us to live by the word, not by the world. इसलिए हम लोगों की बातों पर ना जाएं, प्रभु की बातों पर जाएं। प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता हमारे जीवन से, मुझसे, आपसे, हमारे काम काज से, हमारे जिम्मेदारियों को लेकर, हमारे जीवन को लेकर प्रभु का क्या विचार है, इस पर हम ध्यान दें। दूसरी बात, और ये उंगली उठाने वाले लोग कौन है? उंगली उठाने वाले ये लोग आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है आध्यात्मिक व्यक्ति कभी उंगली नहीं उठाता, कभी दोष नहीं लगाता, कभी आरोप नहीं लगाता, वो अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान रखता है, अपने जीवन को लेकर वो मनन चिंतन करता है, दूसरों के जीवन की कमियों को, कमजोरियों को लेकर आनंद नहीं मनाता, उंगली नहीं उठाता, वो आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये वो लोग हैं जो आध्यात्मिक नहीं है। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, लोग कहते हैं आप प्रभु यीशु से, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते?
लोगों को ये पता ही नहीं उपवास करने का मतलब और मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, उपवास क्यों करना चाहिए। उपवास, उपवास यानी कि धरती से, दुनियादारी से, दुनिया के मोह माया से ऊपर उठना। उपवास यानी कि ईश्वर की उपस्थिति में जीना, यह है लक्ष्य उद्देश्य उपवास का। उपवास इसलिए किया जाता ताकि इंसान ईश्वर के सानिध्य में आए, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, ईश्वर की उपस्थिति में जिए, इसलिए उपवास किया जा सकता है और करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनके सवाल उठा, उन्होंने सवाल किया लोगों ने, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, प्रभु ने कहा क्या लोगों के वो अभी बारात वो दूल्हे के साथ है, यानी कि प्रभु उनके साथ है। जब प्रभु उनके साथ है उन्हें वो आनंद मनाने का समय है, प्रभु की उपस्थिति में सेलिब्रेशन करने का समय है। प्रभु की उपस्थिति से हट जाएंगे पाप से, गुनाह से, गलती से, अपराध से, तब उनको उपवास करना पड़ेगा, प्रभु ये उत्तर देता है। आगे मनन चिंतन करने के लिए विषय है, वे प्रभु की ऊपर उपस्थिति में ही है, उपवास इसलिए उनके जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु की उपस्थिति में प्रभु के शिष्य थे, इसलिए उनको उपवास की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार से प्रभु हमें बताते, उपवास तब करना चाहिए जब इंसान प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, प्रभु से दूर है, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से हट गया है, पथभ्रष्ट हो चुका है, दुनियादारी में खो गया है, आध्यात्मिक जीवन उसका गिरता जा रहा है, उस व्यक्ति को उपवास करने की जरूरत है, यानी कि उस प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को लोगों की मानसिकता के बारे में जागरूक करता है कि हम भी लोगों के भांति कार्य ना करें, अलग अलग लोगों पर उंगली उठाते हुए अपना जीवन हम बेकार ना करें। हम अपने बारे में, अपने स्थिति पर विचार करें, मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा, मेरे परिवार में क्या हो रहा, इस बात पर हम लोग विचार करें, तब कुछ बेहतर होगा, स्वयं के लिए, परिवार के लिए अच्छा होगा। दूसरों पर विचार करने से कुछ नहीं लाभ होगा। दूसरी बात, उपवास हम करें कब, प्रभु की उपस्थिति में जब हट जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाने का समय है, प्रभु की तारीफ करना, प्रभु का जयजयकार करने का समय है। और तीसरी बात, आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी उंगली नहीं उठाता, यानी कि हमें आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है, आध्यात्मिक जीवन में गहराई में जाने की जरूरत है, ताकि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति पर उंगली ना उठाएं, किसी की कमी कमजोरी पर हंसी मजाक ना करें, बल्कि हम एक दूसरे की मदद करें, जो गिरा हुआ उसको उठाने का प्रयास करें, किसी को गिराने की बात हम ना सोचें, बल्कि किसी को गिर गया उसको उठाने का काम हम करें। यह है ईसाई जीवन, यह है प्रभु का कार्य। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। बड़े सुंदर तरीके से प्रभु आपने हम सबों के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए, विकास करने के लिए आपने बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख रखी हैं, और आप चाहते हैं कि हम इन वचनों को ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, जो उचित है उस कार्य को करते हुए एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु, हम सबों का बल और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।